हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग सेल साइकिल को समझेंगे। खास करके इसमें दो टर्म हम सीखेंगे, एक होता है रेप्लिकेशन और एक होता है डुप्लीकेशन। तो इस दोनों टर्म को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक सेल साइकिल है जिसमें आपका ये G1 फेज है, उसके बाद ये S फेज है और ये G2 फेज है। ये तीनों को मिला के हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। और ये जो M फेज है ये डिविजिबल फेज है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इंटरफेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो इंटरफेज का जो पहला फेज है उसका नाम है G1 फेज। G1 फेज कहने का मतलब गैप फर्स्ट फेज, ठीक है, और प्री DNA सिंथेसिस फेज भी बुलाया था इसको, ठीक है, और इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन ये भी बुलाया था, क्योंकि इसके और इसके बीच में आ रहा है इसलिए ये भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग, अगर मान के चलिए आपके पास G1 में सबसे पहले देखें क्या क्या होता है। एक तो RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेल में जितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं कि मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के सारा सब कुछ यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे डबल होगा। उसके बाद अगर देखें हम लोग क्रोमोसोम को देखें और DNA को देखें, तो ये आपका एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर है, उसके अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये DNA है आपका। जब ये क्रोमोसोम G1 से S फेज में जाएगा तो ये DNA डबल हो जाएगा। एक डंडा देख रहे हैं, एक लंबा सा ये DNA है, तो यहाँ पे दो DNA देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब DNA G1 से S फेज में जाता है तो डबल हो जाता है, जब DNA डबल होता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ठीक है। रेप्लिकेशन, DNA का डबल हो जाना रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन का डेफिनेशन अगर देखें हम लोग तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ DNA, ठीक है, जिस तरह हम लोग फोटो कॉपी करते हैं उसी तरह एक फोटो कॉपी है, सेम हूबहू DNA यहाँ निकल आएगा। यहाँ मतलब अगर पूछे तो ये आपके पास एक DNA है, जैसे ही S फेज में जाएगा तो कितना DNA हो जाएगा, दो। जब DNA का नंबर बढ़ जाता है उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए एक टर्म आता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है। कैसे हम प्रिडिक्ट करें कि ये एक क्रोमोसोम है कि दो क्रोमोसोम है, तो इसको प्रिडिक्ट करने का आसान तरीका है कि हम सेंट्रोमियर को देखते हैं, जितना सेंट्रोमियर उतना ही क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, जितना सेंट्रोमियर उतना ही क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे हम एक सेंट्रोमियर देख पा रहे हैं तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम S फेज में जाएगा तो क्या होगा ना कि ये जो क्रोमेटिड है, ठीक है, ये एक क्रोमेटिड है यही जब S फेज में जाएगा तो ये दो क्रोमेटिड हो जाएगा, ठीक है। एक क्रोमेटिड ये पहले वाला है, एक नया बन जाएगा, ठीक है। और सेंट्रोमियर यहाँ पे भी एक था तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर एक तो एक क्रोमोसोम, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक तो ये भी एक क्रोमोसोम। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए क्रोमोसोम का क्रोमेटिड का नंबर बढ़ गया है। जब क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़े, ठीक है, जब क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहा, यहाँ क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ रहा है, कंटेंट बोले तो क्रोमेटिड बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक क्रोमेटिड था, यहाँ पे अब दो क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। जब क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ जाए उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन ऑफ DNA, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये S फेज में देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को NCERT समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, तो वही हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इससे NCERT बोल रही है कि अगर G1 फेज में DNA 2C है, ठीक है, 2C, C किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ DNA को डिनोट कर रहा है। तो यही चीज़ जब S फेज में जाएगा तो DNA क्या हो जाएगा, तो S फेज में डबल हो गया, इसका मतलब DNA यहाँ पे क्या होने चाहिए, 4C, मतलब यहाँ पे 2C का डबल कर देंगे तो 4C, मतलब यहाँ पे DNA डबल हो गया S फेज में। वही चीज़ को फिर वो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन को समझाने के लिए लिया है कि क्रोमोसोम अगर डिप्लॉइड है यहाँ पे, ठीक है, अगर G1 फेज में क्रोमोसोम डिप्लॉइड है, अब वो जब S फेज में जाएगा तब भी क्रोमोसोम वहाँ पे डिप्लॉइड ही रहेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा क्रोमोसोम का, बस कंटेंट बढ़ेगा क्रोमोसोम का। यही है रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि रेप्लिकेशन में DNA का नंबर बढ़ता है और डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ता है, यानी क्रोमेटिड बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए और एक बात जान लें कि ये जो S फेज है ये मोर इम्पॉर्टेंट फेज है, एज ए नीट के एग्जाम पर देख, नीट में अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो दूसरा सवाल आता है कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो वो S फेज में सिंथेसिस होता है। और सेंट्रियोल अपना नंबर कहाँ बढ़ाता है, तो वो भी S फेज में अपना नंबर डबल करता है। अगर मान के चलो एक सेंट्रियोल है तो S फेज से गुजरने के बाद वो दो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला फेज आता है इंटरफेज का, G2 फेज। यहाँ तक मैक्सिमम तैयारियाँ हो चुकी है, अब बचा खुचा तैयारी कहाँ पे होना है, यहाँ पे G2 फेज में होना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को डबल होना है तो कहाँ पे होना है, वो
वो G2 फेज में होगा। और एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प करता है, उसका सिंथेसिस भी कहाँ पे होना है, G2 फेज में। तो ये इंटरफेज है और ये फेज क्या कहलाता है, डिवीजन फेज, और यही है सेल साइकिल। ठीक है, वीडियो यहीं तक, थैंक यू।